हेलो गाइस, मैं हूं अभी रानीखेत में। रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रानीखेत अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का शांत वातावरण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। रानीखेत में आकर्षण के मुख्य स्थल जो हैं, वह हैं नंबर एक चौबटिया गार्डन। चौबटिया गार्डन फलों तथा फूलों से भरे हुए बागों के लिए जाना जाता है, जहां पर कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के फल तथा फूलों के पेड़ पौधे लगे होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिनसर महादेव का मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नंबर तीन बात करें तो आता है जूली टॉप। जूली टॉप यह एक पहाड़ी शिखर है जो शहर के आसपास के क्षेत्रों का सुंदर सा दृश्य प्रदान करता है, यानी कि रानीखेत यहाँ से पूरा दिखता है। चौथा पॉइंट की बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट का सेंट्रल म्यूजियम। तो कुमाऊं रेजिमेंट का यहाँ पर सेंट्रल म्यूजियम भी है, जो कि हमारे इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है रानीखेत क्लब। रानीखेत क्लब एक ऐसा क्लब है जो कि अंग्रेजों के जमाने का है और अभी भी यहाँ पर उसके दर्शन आपको आसानी से हो जाते हैं। अगला आता है छठा माल रोड। यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वह है माल रोड, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अभी जो ये वीडियो चल रही है ये माल रोड की है। इसके बाद अगली बात करें तो रानीखेत में गतिविधियों की बात करें कि आप क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए रानीखेत के आसपास में ही कई सारे मार्ग हैं। दूसरा, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार की एक्टिविटी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा, घुड़सवारी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। घोड़े की सवारी आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर घोड़े की सवारी का आनंद भी आप आसानी से ले सकते हैं। चौथा, कैंपिंग आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। कैंपिंग के लिए भी रानीखेत में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि आप कैंपिंग कर सकते हैं और कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। थोड़ा सा बात कर ले यहाँ के मौसम की, तो रानीखेत का मौसम जो है काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मियों की बात करें तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है, और सर्दियों की अगर बात करें तो 0 से -10 डिग्री तक यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है। तो अगर आप ठंडे के दिनों में यहाँ पर आने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के आएँ, क्योंकि -10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुँचता है। रानीखेत कैसे पहुँचे? रानीखेत पहुँचने के लिए अगर हम हवाई अड्डे की बात करें तो हवाई अड्डा है निकटतम पंतनगर का, जो कि लगभग 115 किलोमीटर दूर पड़ता है रानीखेत से। और अगर हम रेलवेज की बात करें तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वह है काठगोदाम, जो लगभग रानीखेत से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर हम यहाँ पर बाय रोड की बात करें तो यहाँ पर रोड की अप्रोच हर जगह से, चाहे आप अल्मोड़ा से आएँ चाहे आप हल्द्वानी से आएँ, सभी जगहों से यहाँ पर रोड की अप्रोच बिल्कुल बेहतरीन है, जिसमें आप आसानी से यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। और अल्मोड़ा से अगर आप आते हैं तो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, और हल्द्वानी की तरफ से यदि आप आते हैं तो 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो ये रानीखेत के कुछ प्रमुख आकर्षण के केंद्र भी मैंने आपको दिखलाए थे। इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे प्रचलित है वह है गोल्फ ग्राउंड। रानीखेत में स्थित गोल्फ ग्राउंड अंग्रेजों के जमाने से ही चला आ रहा है, और अभी भी जो गोल्फ ग्राउंड है वहां पर आप जा करके आसानी से सर्दियों के मौसम में गर्मी का लुत्फ उठा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में सर्दियों का लुत्फ उठा सकते हैं। वो कैसे? आप आसानी से अगर जाड़ों के दिनों में आते हैं तो धूप आसानी से आ जाती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में जाड़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। और
जाड़ों के दिनों में, गर्मियों का तो आप उठा ही रहे, गर्मियों के दिनों में जाड़ों का किस प्रकार से उठा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आसानी से वहाँ पर आपको गर्मियों के दिनों में भी काफ़ी ठंडक महसूस होगी, और अगर धूप में बैठ जाए तो जाड़ों के दिनों में भी जो है आपको थोड़ा सा गर्मी प्रदान हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ इसके आसपास की और बात करें तो कालिका मंदिर यहाँ पे नज़दीक में ही मौजूद है।